अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि हेयर कलर करने के बाद जब हम हेयर वॉश करते हैं तो हम उसमें क्या मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बालों का कलर है वो बहुत ही जल्दी चले जाता है और हमारे जो भी ग्रे हेयर्स होते हैं वो दिखाई देने लगता है और हमारा जो हेयर कलर है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते हैं। तो जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि हेयर वॉश करने के कुछ मिस्टेक हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे बालों का कलर बहुत ही जल्दी से चले जाता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे बालों को हमने किस तरह से वॉश करना है जिससे आपका जो हेयर कलर है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कलर लगाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सीजर, पॉलीथीन और मिक्सिंग बाउल, ग्लव्स, क्लचर, ब्रश, हेयर कलर, वेट टिश्यू और मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइज़र की बदली अगर आपके पास वैसलीन हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बायोटिका हर्ब कलर N4 ब्राउन लगाऊंगी, ये बहुत ही नेचुरल कलर दिखता है। और जो मैं कलर इस्तेमाल कर रही हूँ उस कलर के अंदर होता है दो शैम्पू और कंडीशनर, जैसे कि हर कलर में आजकल होता है। तो ये जो क्रीम और डेवलपर, ग्लव्स और इंस्ट्रक्शन उसके अंदर होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितने टाइम तक रखना है, किसे मिक्स करना है। तो बहुत ही आसान होता है, तो जितना आप क्रीम ले रहे हैं उतना ही डेवलपर लेना है आपको, तो बराबर अंदाजे से आपने लेना है। मैं हमेशा लगाती हूँ तो एक अंदाज़ा होता है कि कितना कितना लेना है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से दोनों चीज़ों को बराबर से मिक्स कर लीजिए। और इसे मिक्स करने के टाइम पर मैं इसमें 1/2 टीस्पून जितना एलोवेरा जेल ऐड करती हूँ। इसमें मैं हमेशा जब भी कलर लगाती हूँ तो एलोवेरा जेल हमेशा ऐड करती हूँ। इससे ना बालों में बहुत ही अच्छा शाइन आ जाता है, जो हमारे बालों को कलर रफ़ करता है ना, ये उससे कंट्रोल करता है। जब आप हेयर वॉश करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि आपका हेयर जो है वो एकदम स्मूथ एंड सॉफ्ट रहता है। तो चलिए अभी हम अपने बालों पर कलर को लगा लेते हैं। तो लगाने से पहले मैं अपने जो भी एरिया में कलर लग जाता है, जैसे फोरहेड, कान के पीछे, तो जिधर जिधर आपके कलर लग जाते हैं उधर उधर आपने मॉइस्चराइज़र या कोकोनट ऑयल या वैसलीन, तो तीनों में से कुछ भी आपके पास हो तो वो तीनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं हमेशा मॉइस्चराइज़र या वैसलीन लगाती हूँ, तो वैसलीन अभी मेरे पास नहीं है तो इसीलिए मैं मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपने बालों पे हेयर कलर अप्लाई करूँगी। और उससे पहले मैं ये बता दूँ कि मैंने 2 दिन से अपने बालों पे बालों को शैम्पू नहीं किया है, इसीलिए कि मुझे हेयर कलर लगाना है। क्योंकि जो हेयर वॉश हम करते हैं ना उसमें क्या होता है कि स्कैल्प में लगाने से हमारे स्कैल्प को ये बहुत ही डैमेज करता है, और अगर हम हेयर वॉश नहीं करेंगे तो ये जो नेचुरल ऑयल हमारे स्कैल्प में से प्रोड्यूस होता है हमारे स्कैल्प को ये डैमेज नहीं करता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने अपने बालों को पूरी अच्छी तरह से बांध लिया है। अभी मैं अपने बालों पे इसी तरह से कलर लगाऊंगी। इसकी इसलिए मैं लगा रही हूँ क्योंकि जिनके भी ग्रे हेयर्स होते हैं ना उनको सिर्फ हेयर लाइन्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और अगर आप कोई दूसरा कलर लगा रहे हैं, जो फैशन कलर होता है वो लगा रहे हैं, तभी भी आप ऐसे लगा सकते हैं। इसीलिए मैं ऐसा लगा रही हूँ क्योंकि जब हम पार्टीशन लेके हेयर कलर अप्लाई करते हैं तो वो हाफ़ साइड हम 2 पार्टीशन करके लगाते हैं तो दोनों का टाइमिंग अलग अलग हो जाता है। तो आप इस तरह से लगाएंगे तो आपके जो बाल का कलर है वो इवन दिखेगा। तो ऐसा करके आप लगाएंगे ना तो आपके बालों में बहुत ही अच्छे से कलर लगेगा, क्योंकि जब हम अकेले से लगाते हैं ना तो बहुत टाइम भी लगता है बालों में कलर लगाने के लिए, और हमें देखकर बहुत अच्छे से बालों में कलर लगाना होता है। तो अगर आप इस तरह से पहले जिस तरह से मैंने कलर लगाया है उस तरह से आप कलर लगाएंगे तो आपके बालों में बहुत ही अच्छे से कलर लगेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, 3 पार्टीशन कर लूँगी, जैसे फ्रंट में 2 साइड में अपने बालों को अलग अलग कर लूँगी और बैक साइड में इस बालों को मैं अच्छे से बांध लूँगी। और इस तरह से जब हम क्लचर लगा के अपने बालों पे हेयर कलर करते हैं ना तो सारे बालों को कलर अच्छे से लगता है। और मैं सिर्फ फ्रंट एरिया में ही अपने बालों पे कलर लगाती हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मुझे सिर्फ ग्रे हेयर्स का प्रॉब्लम है, बाकी मैं पूरे बालों पे कलर कभी भी नहीं लगाती हूँ। तो इस तरह से मैं सिर्फ फ्रंट एरिया में ज़्यादा हेयर कलर लगाती हूँ। तो इस तरह से ही मैं हमेशा अपने बालों पे कलर लगाती हूँ। और ये जो मैं कलर इस्तेमाल करती हूँ बायोटिक का, ये बहुत ही अच्छा कलर है जो आपके ग्रे हेयर्स को बहुत ही अच्छे से कवर करता है और आपके ना ग्रे हेयर्स को जल्दी मतलब दिखाई नहीं देता है। ये लगाने के बाद में बहुत ही नेचुरल तरीके से आपके बालों को बहुत ही कवर करता है। और इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे हर्ब्स हैं जिससे हमारे बालों को ये डैमेज नहीं करता है, और इसके अंदर अमोनिया भी नहीं है
और बहुत अच्छे से आपके बालों में ये कलर लग जाता है। जैसे कि आज आपने लगाया तो इतना नहीं दिखाई देता, जो दूसरा कलर हम जब अप्लाई करते हैं तो पता चलता है कि आपने बालों में कलर लगाया है। और कलर लगाने के टाइम पे भी आपको कुछ ध्यान देना होगा कि आप इतना भी ना लगाए फ्रंट एरिया पे कि पता चले कि कलर हमने लगाया है। तो देखकर आप अच्छे से अगर लगाएंगे तो आपके बालों में कलर है तो पता भी नहीं चलेगा और वो नेचुरल लुक देगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये कलर को ख़रीदना तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो चेक कर लेना। और इसे ना लगाने के बाद में इस तरह से आप पार्टीशन करके अलग अलग करके लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपके बालों में कलर लगेगा। तो किसी की हेल्प लेने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आजकल सब अकेले से अपने बालों पर कलर लगा लेते हैं। तो सब अपने आप से ही आजकल फेशियल और हेयर कलर सभी चीज़ घर में आजकल बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं, पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा। तो इस तरह से आप अपने बालों को कलर लगाइए। जब भी मैं हेयर कलर करती हूँ तो कोई भी डार्क कलर का टी शर्ट पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ रूट टचअप करती हूँ तो मैं हेयर लेंथ पे नहीं लगाती हूँ। इसीलिए मैं कोई भी डार्क कलर का टी शर्ट पहनती हूँ क्योंकि मेरे कपड़ों पे लगता नहीं है हेयर कलर। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है तो आप अपने एप्रन वगैरह जो आपको ठीक लगता है वो कलर का आप पहन लीजिए, क्योंकि कलर लगने के बाद कपड़ा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो जैसा आपको ठीक लगता है वैसे डार्क कलर का कोई भी टी शर्ट या आपको जिस तरह से अच्छा लगता है वो तरह से आप पहन लीजिए। तो दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से अपने बालों को पूरा कलर कर लूँगी। तो ये भी साइड का मेरा कलर हो चुका है बाल। और मेरे ना बैक साइड में हेयर आके ब्लैक ही है, ग्रे हेयर्स मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ जिनको भी ग्रे हेयर्स है वो इस तरह से अपने बालों पे हेयर कलर लगा सकते हैं। जैसे आपके जो ग्रे हेयर्स को लगाने के लिए बहुत ही आसान होगा क्योंकि हमें पीछे दिखाई नहीं देता है ना, तो आप इस तरह से कलर लगा सकते हैं। तो आपने देखा है कि मैंने बराबर से अपने बालों पर कलर लगा लिया है, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। और जो कुछ थोड़ा बहुत कलर बचा है वो मैं इस तरह से ऊपर लगा लूँगी हेयर के ऊपर, क्योंकि मैं पूरे बालों पे हेयर कलर नहीं करती हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको भी मेरे जैसा ही सिर्फ फ्रंट एरिया पे ही ग्रे हेयर्स का प्रॉब्लम है तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि आधा बाल का कलर अलग होगा और आधा बाल का कलर अलग होगा, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं। जब आपका हेयर वॉश का जो टाइमिंग होता है, आपको ना पहली बात तो ये है कि आपको टाइमिंग के हिसाब से ही अपने हेयर वॉश करना है, ज़्यादा टाइम नहीं रखना है। तो आप टाइम देखकर ही अपने बालों पे कलर लगाइए, जो टाइम लिखा होता है, जो कलर के अंदर जो भी टाइम लिखा होता है कि आपको 20 मिनट्स रखना है या 15 मिनट्स रखना है, तो उसके हिसाब से ही आप अपने बालों को वॉश कीजिए। और जब आप इस तरह से कलर लगा लेते हैं तो अपने बालों को अच्छे से मसाज कर लीजिए ताकि वो आपके बालों पर पूरी अच्छे से लग जाए। और जब भी आप हेयर वॉश करें ना तो आपको लगता है कि आपके बालों पे कलर अच्छे से नहीं लगा है या कहीं कहीं छूट गया है, तो क्या करना है, जब हेयर कलर का टाइम हो जाता है उसके बाद क्या करना है कि थोड़ा सा पानी अपने बालों पे डालना है और उसे थोड़ा सा पानी डाल के पूरे बालों को अच्छे से मसाज करना है और उसे 5 मिनट्स छोड़ देना है। 5 मिनट्स छोड़ देंगे ना तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके बालों में पूरे अच्छे से कलर लग जाएगा। पॉलीथीन को इस तरह से कट कर लीजिए और मंकी कैप की तरह बना लीजिए और अपने बालों पे लगा लीजिए। मेरे पास शावर कैप है लेकिन उसे लगाने के बाद उसे वॉश करना होता है, तो इसीलिए मैं ये पॉलीथीन का इस्तेमाल करती हूँ कि इसे अप्लाई करने के बाद हम डायरेक्ट इसे फेंक सकते हैं तो ज़्यादा काम नहीं होता है। तो इस तरह से आप लगा लीजिए। ये कैप लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जो कलर जो हमारे बालों पे लगा है वो प्रोसेस अच्छे से करता है। तो आप इसे लगा लीजिए और वेट टिश्यू से अपने पूरे स्किन को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। जो भी आपको कलर आपके स्किन में या कहीं पे भी लगा होगा तो उसे क्लीन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जब भी आप कलर लगाने के बाद अपने बालों को वॉश करते हैं तो सबसे पहला आपने गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, लुक वार्म पानी का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि गर्म पानी से भी आपके जो बालों में कलर लगा हुआ है वो निकल जाता है। दूसरा, आपने जब भी आप हेयर वॉश करें तो शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है जिस दिन आपने बालों में कलर लगाया है, उस दिन आपने सिर्फ कंडीशनर का इस्तेमाल करना है और अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। दूसरे दिन आप अपने बालों में शैम्पू और कंडीशनर कर सकते हैं। जब आप दूसरे दिन अपने बालों में शैम्पू और कंडीशनर करते हैं तो लास्ट में आपको वाइट विनीगर के पानी से रिंस करना होगा। में एक जग पानी लेना है और 10 ml जितना आपने वाइट विनीगर मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करके अपने लास्ट वाला जो रिंस है वो वाइट विनीगर से लेना है। इससे ये होगा कि आपके जो बालों में डैमेज हो रहा है कलर के वजह से, उस डैमेज को ये रिपेयर भी करेगा, आपके बालों में शाइन लाएगा और आपके बालों का जो कलर है ना उसे ये प्रोटेक्ट करेगा और लॉन्ग लास्टिंग रखेगा। तो इस तरह से आपने व्हाइट विनीगर का इस्तेमाल करना है। हफ्ते में एक बार आपको डीप कंडीशनिंग ज़रूर करना है
और बालों में आपने स्टीम देना है, आपके बालों में ऑयल लगाना है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगी ना कलर लगाने के बाद, तो आपका बाल जो है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, एकदम हेल्दी हेयर रहेगा आपका। तो अगर आप सिर्फ कलर लगाने के बाद में ये सब सारी चीज़ें नहीं करेंगी तो आपका बाल जो है वो तो डैमेज होना ही होना है। तो कलर लगाने के बाद ये सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपका बाल जो है वो एकदम स्मूथ, सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये सारे चीज़ों को आपने फॉलो करना है और आपने बताना है कि मुझे ये आज का जो मैंने टिप्स आपको दिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम एक अच्छे और नई वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।